अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज डोंडों का सालन बनेंगे। ये आधा किलो डोंडे हैं मेरे पास, ये पाव किलो गोश है, और ये चार डल्ली बड़ी है, प्याज काट के रख लिए। चलो बनाते हैं। कुकर गर्म हो गया, अब इसमें 50 ग्राम तेल डाल देंगे। तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया, अब इसमें गोश्त डाल देंगे। ये गोश्त को 5 सेकंड के लिए भून लेंगे ऐसे। अब इसमें 2 चम्मच मिर्ची डाल देंगे, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे आधा चम्मच, नमक आप टेस्ट के हिसाब से डालना। गोश्त को और मसालों को अच्छे से भून लेंगे इसमें। अब इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज और गोश्त मसालों को भी 5 सेकंड के लिए भून लेंगे। गोश्त प्याज अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। कुकर का ढक्कन लगा के 5 सीटी आने तक का इंतज़ार कर लेंगे। पूरे डोंडों को एक में के दो करके रख लिए इसको। अब इसमें थोड़ा सा मसाला लगेंगे, थोड़ा सा नमक है, ये बस थोड़ा सा डालने का है। सालन में भी नमक डाले, थोड़ी सी मिर्ची है, सालन में भी मिर्ची है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर है। आधा चम्मच जीरा पाउडर है, आधा चम्मच गरम मसाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर है आधा चम्मच, थोड़ा सा क्या ये काली मिर्ची पाउडर है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई गरम हो गई, अब इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, 1-2 चम्मच के करीब। तेल भी अच्छे से गरम हो गया। अब जो ये डोंडों में मसाला लगा के रखे थे ना, ये डोंडे इसमें डाल देंगे। 10 मिनट तक इसको ऐसे भून लेंगे, कच्चा पक्का भून के रख लेंगे। डोंडे तले गए, डोंडे कच्चे पक्के तले गए। आप डोंडे बगैर तल के भी, बगैर मसाले के भी ऐसे सालन में डाल ले सकते। इसका मतलब ये है कि ये डोंडों में मसाला अच्छा चल जाता और सालन बहुत अच्छा टेस्टी होता। इसके लिए ऐसा एक बार बना के देखिए आप। गोश्त और प्याज गल गए, 5 सीटी हो गए इसके। इसको एक 5 मिनट तक का भून लेंगे। जो प्याज दिख रही ना, प्याज अच्छा गल जाना तब तक के भून लेंगे इसको। प्याज गल गई इसमें, अब टमाटर डालेंगे। 5 टमाटर है ये। टमाटर डाल के भी कुकर का ढक्कन लगा देंगे 1 सीटी आने तक के। टमाटर जल्दी गलते, अगर आपको जल्दी नहीं गलाना रहे तो ढक्कन ढक के रख देना 5 मिनट तक। 1 सीटी लगेंगे इसको। जल्दी गलाना रहे तो ढक्कन लगा देना, नहीं गलाना रहे तो ढक्कन ढाप के रख देना। ये कुकर का ढक्कन नहीं ढापना, दूसरा ढक्कन ढापना सादा। हमारी बच्ची को समझ में नहीं आते ये सब बातें। 1 सीटी आने तक के रखेंगे। 1 सीटी होने के बाद कुकर का ढक्कन खोल लिए। टमाटर भी गल गए अच्छे से, प्याज भी गल गई। अब इसको 5 मिनट तक के भून लेंगे ऐसी। इसको 5 मिनट हो गए भूनते भूनते। अब ये जो डोंडे थे ना मसाला लगा के कच्चे पक्के तल के रखे थे, ये डाल देंगे इसमें। डोंडे डाल दिए, डोंडे में मसाला अच्छा, प्याज गोश्त टमाटे डोंडे मसाला अच्छे से मिक्स हो जाता। इसको 5 मिनट तक के ऐसे ढाप के रख देंगे। जो डोंडे बचे कुछ नहीं गले, वो भी गल जाते। सालन अच्छा भुने गया, डोंडे भी गल गए, ये अच्छे गल गए डोंडे भी। और देखिए इसमें प्याज टमाटर कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिख रहे। सालन को इस तरीके से भूनना, भूनते भूनते सालन का मज़ा अच्छा आता। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे आपको जितना लगता। अगर पानी की ज़रूरत नहीं है तो भी आप ऐसे भी खा सकते, ग्रेवी खा सकते। थोड़ा सा शेरवा कर लेंगे इसमें। अब इसको और 5 मिनट 1 उबाल आने तक के रख लेंगे।
सालन 5 मिनट से पक रहा, इसमें अच्छी सी खुशबू आ रही। थोड़ी सी कोतमीर डाल देंगे, 2 से 3 हरी मिर्ची है ये भी डाल देंगे। अब चूल्हे को कर देंगे बंद, मैं आपको सर्व करके दिखा। ये टाइम पे नमक चेक कर ले सकते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे दस्तरखान पे दोनों का सालन बना है। आप ये वीडियो पूरा देखें, एंड तक देखते देखते मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए और फेसबुक को भी फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।